तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं फ्री फायर का जो कस्टम एचयूडी सेटिंग्स है वो फ्री फायर उनको चेंज क्यों नहीं कर रहा है। आज इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ, क्या वो सेटिंग्स चेंज होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कब होगा, और अगर नहीं होगा तो उसके पीछे का रीज़न क्या है नहीं होने का, ये सब मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी मालूम पड़ जाए क्या ये सेटिंग्स चेंज होने वाला है कि नहीं होने वाला है। आइए हम और आप मिलकर इंजॉय करते हैं वीडियो को। तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। गाइस आज का वीडियो ना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मेरी आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग कहीं से भी चैनल पे नए आए हो या तो पुराने हो और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे टाइम टू टाइम, क्योंकि मैं डेली फ्री फायर के वीडियोस डालते रहता हूँ जो आपको हमेशा से हमेशा एंटरटेन करते रहते हैं। कुछ लोग को नहीं कहते बट ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहते हैं, तो इसी बात पर यार एंटरटेनमेंट तो किसको नहीं चाहिए, वो भी फ्री में मिल रहा है तो सब्सक्राइब और बाजू में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो आए गाइस वीडियो की बात करते हैं। जैसे कि हम सबको मालूम है कि जब नया अपडेट आया तो उसके बाद जो हमारी सेटिंग्स थी वो हल्की सी चेंज हो गई और उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स दंगा और धरना लेके बैठ गए कि हमको ये सेटिंग्स चेंज करवानी है, हम सेटिंग्स चेंज करवा के रहेंगे, बट वो फ्री फायर का कुछ नहीं उखाया पाया इन दी एंड, क्योंकि फ्री फायर ने ये जो डिसीजन लिया है सेटिंग्स चेंज करने का वो बहुत ही सोच समझ के लिया है। मेरे ख्याल से उन पागलों यूट्यूबर को जैसे कि बॉस आर्मी हो गया, TSG हो गए, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो सेटिंग्स चेंज हुआ है वो अपने भलाई के लिए ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि फ्री फायर बिना कुछ सोचे समझे चेंज करेगा। आप लोग की एक बात मानी, जो गेम में साउंड आता था एनिमी हेड ये सब वो सब निकाल दिया, बट अगर आप लोग कितना भी फोर्स डालो HUD सेटिंग्स मेरे ख्याल से तो फ्री फायर को चेंज करना ही नहीं चाहिए और मेरे ख्याल से फ्री फायर चेंज करेगा भी ना। अगर करेगा चेंज तो दो सेटिंग्स दे देगा, एक सेटिंग्स नहीं देगा, क्योंकि ये जो कस्टम HUD सेटिंग्स है गाइज ये बहुत ही सही है, एक बार खेल के देखो। और इसका मेन रीज़न क्या है मालूम है, इसमें जो ड्रैग हेडशॉट है ना गाइज वो बहुत ही आसानी से लगता है। अगर आपने अब तक ड्रैग खेलना सीखा नहीं है गाइज, अगर आप लोगों को चाहिए मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को इजी बताऊंगा कि प्रिस्क्राइब ऑन स्कोप में आप लोग कैसे हेडशॉट इजीली मार सकते हो। अगर आप लोगों को इसका टिप्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दे दो, मैं ज़रूर अगला वीडियो कल या परसों में उस वीडियो को आप लोग के सामने शामिल कर दूंगा। तो आइए गाइस सबसे मेन रीज़न की बात करेंगे कि कस्टम जो HUD सेटिंग्स है, जैसा कि आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो कस्टम HUD सेटिंग्स है ये चेंज क्यों नहीं होगा, ये अभी और हमेशा के लिए ऐसा क्यों रहेगा। द मेन रीज़न है गाइस जो नया मैप आ रहा है, नया मैप है डेजर्ट मैप जहाँ पे पूरा रेती रेती होगा, और अगर आप पहले का जो कस्टम HUD सेटिंग्स था अगर आप उसको दिमाग में रखें, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आपको वो सेटिंग्स आपके मैप मतलब आपके स्क्रीन पे दिखेंगी अगर डेजर्ट मैप के अंदर चला गया तो? नहीं, बता दीजिए, अगर दिखेगी तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आपको 10-10 चश्मा लग जाएगा। और ये जो सेटिंग्स जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेन चीज़ है फ्री फायर ने उसको डार्क किया है, क्यों? क्योंकि जब डेजर्ट मैप आएगा, ठीक है, जब डेजर्ट मैप आएगा तब ये सेटिंग्स बहुत ही काम आने वाली है, बट लोगों को धरना देने से फुर्सत मिलेगी तब ना। बस एक तो ऐसा है कि जो फ्री फायर की हमेशा बुराई करता रहता है, ऐसा लगता है कि जंग उसने ही जीती है, बस ना आगे नाम के आगे आगे बॉस लगा लिया तो अपने आप को क्या मालूम क्या समझता है। बेसिकली फ्रेंकली स्पीकिंग तो वो TAT, अभी आप लोग समझ लो TATTI क्या होता है, ठीक है, क्योंकि यार उसका हर एक वीडियो में कभी फ्री फायर को गाली दे रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी बोल रहा है कि कैरेक्टर्स के जो डायमंड्स के रेट है वो कम होने वाले, मतलब भाई व्यूज़ के लिए अखंड जो भी आगे लगा लो मैं गाली नहीं दूंगा, बच्चा है मेरे से, छोटा है, छोटा भाई है वो, तो इसलिए मैं बोलता हूँ गाइस बाकी के यूट्यूबर्स के इन्फ्लुएंस में मत आइए, अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उसको अच्छे वे में लीजिए, बुरे वे में मत लीजिए, क्योंकि ऐसे कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो बस भड़काने का काम करते हैं, जैसे अपने नेता है वैसे ये कुछ ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो बस भड़काने का काम करते हैं और कुछ नहीं करेंगे, उन लोग सपोर्ट नहीं दिखाए कि हाँ ये सेटिंग्स में भी हम लोग कुछ ऐसा निकाल सकते हैं जो पब्लिक को मदद करेगा, बट नहीं, उन लोग को बस एक चीज़ बोलना है कि ये सेटिंग्स गंदा, ये सेटिंग्स है तो खेलना छोड़ दो। जैसे कि TSG ने वीडियो डाला था कि स्टॉप प्लेइंग फ्री फायर, तो आई थिंक उनका टाइम आ चुका है, अभी भी वो लाइव करते ही है, तो मेरे ख्याल से अगर तुम लिख रहे हो कि आई विल स्टॉप प्लेइंग फ्री फायर देन स्टॉप इट ना, क्या बोलते भाई लोग, सही है ना। वैसे भी 4-5 हज़ार व्यूज से क्या होता है, लाइव वॉचिंग 5 हज़ार है, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ 5 हज़ार वॉचिंग मतलब
एक आम इंसान को आता है जो 2-3 लाख पे होता है, तो इसके लिए अच्छा आई थिंक सो दे शुड शट डाउन। फ्रेंकली स्पीकिंग उन लोगों ने खुद ने बोला है गाइज, 1 लाख पे जब थे तब बोला था कि हम लोग यूट्यूब छोड़ रहे, अभी 2 मिलियन पे आके बोल रहे कि सेटिंग्स की वजह से गेम छोड़ रहे। तो आई थिंक इट्स एंड टाइम कि वी विल नॉट सी TSG, बिकॉज आई थिंक वो गेम छोड़ देंगे क्योंकि सेटिंग्स तो चेंज हो नहीं रहा है, और मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए क्योंकि बेस्ट सेटिंग्स है, बेस्ट फ्री फायर की सेटिंग्स है आई वुड एवर से, बिकॉज इतना अच्छा स्पेस, इतना अच्छा ये मोबाइल मोबाइल पे डिपेंड करता है गाइस। फ्रेंकली स्पीकिंग उनके पास आईफोन है, हमारे पास भी आईफोन है, बाकी लोगों के पास सैमसंग है, बाकी नोकिया है, 1 GB रैम में भी लोग खेलते हैं। भाई लोग जो 1 GB रैम में खेलते हैं ना उनको सल्यूट है यार। मैंने एक बार आई थिंक कौन सा नोकिया, नोकिया नहीं अपना सैमसंग के 1 GB रैम में खेल के देखा था, बाई गॉड, मतलब भाई जैसे कि अपना जब हम लोग गोली चलाते हैं ना तब अपने को मालूम पड़ जाता है, जो 1 GB रैम वाले होते हैं ना गाइज उनका क्या होता है मालूम है क्या, उनको 3 सेकेंड के बाद मालूम पड़ता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, ऐसा सीन है, बिकॉज रैम रैम का सीन होता है। एंड मैं तो इतना खुश हूँ कि फ्री फायर ने हर एक रैम के लिए बनाया है, जैसा कि जो भौंक रहे थे कि फ्री फायर नहीं चलने वाला है ये अपडेट के बाद, तो बेसिकली उनका भौंकना उनको ही भारी पड़ गया। एंड अभी उठ के ये नहीं बोलेंगे कि सॉरी गाइज नहीं आया, ये आया वो आया, तो उन लोग बस यूज़ के लिए हैं गाइज। तो चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आप लोग को अच्छा लगे, मिलते हैं गाइज आप लोग से 3 घंटे के बाद वाली वीडियो में जो बहुत ही स्पेशल है, जिसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कुछ चीज़ें ऐसी जो आप लोग को फ्री में मिल सकती है 25 तारीख को, एंड बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है 25 तारीख को, एक नहीं दो नहीं, इवन मैजिक क्यूब की भी आशाएँ हैं, अब देखो क्या होता है। क्योंकि बीच में मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा कि किसी ने बनाया कि आप लोग को 25 को मैजिक क्यूब मिलने वाला है, तो उसके पीछे एक सीक्रेट है गाइस कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा आज शाम के वीडियो में, तो देखना मत भूलना गाइस। तो चलो चलते हैं गाइस, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल, ऐसे हंसते रहो, आबाद रहो, खुश रहो, जिंदाबाद रहो, गर्लफ्रेंड से प्यार करते रहो।